चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही पहली मीटिंग भी डिपार्टमेंट की आज हमने यहां की है, जिसके अंदर विभिन्न शहरों की जो डेवलपमेंट प्लान थी उसको आज कुछ को फाइनल कर लिया है, कुछ में कुछ सजेशंस आए हैं, तो सजेशन के आधार पर नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखी गई है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उनको रेफर किया गया है कि उसको वो करें। दो घोषणाएं सेटलमेंट स्कीम की है जो आपको मुझे बतानी है। एक तो किसानों के लिए एक सेटलमेंट स्कीम हमने बनाई है कि जो बिजली के बिल हैं ट्यूबवेल्स के, उसमें कुल 6 लाख ट्यूबवेल्स में से 2,44,000 कनेक्शन ये बिजली के बिलों के डिफॉल्ट हो गए उनके, हालांकि 2,44,000 6,10,000 में से, हालांकि टैरिफ बहुत कम होता है, मात्र 10 पैसे यूनिट है, 10 पैसे ये ना टैरिफ एग्रीकल्चर का 10 पैसे यूनिट होता है, या फिर उसका हॉर्स पावर के हिसाब से कुछ कम रेट रखा हुआ, लेकिन उस पर सरचार्ज इस नाते से भी लगाया जाता है जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनका, तो कुल मिलाकर 147 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। अब हमने उनका जो सरचार्ज है वो माफ़ किया है, लगभग 20 से 25% सरचार्ज होता है वो माफ़ किया जाता है, और बाकी किसानों को ये कहा जाएगा कि वो सब 30 नवंबर तक बाकी पैसे को एक मुश्त जमा करा दें तो सरचार्ज की माफ़ी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा विषय वो HSVP से जुड़ा हुआ है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें जैसे हमको जानकारी है कि दो बार हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये घोषित की थी, जितने एनहांसमेंट और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के मामले में एक विवाद चल रहा था, एनहांसमेंट का उनको जो जानकारी है समय पर नहीं दी जाती थी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उनकी ओर से आपत्ति ये थी कि जिस अनाउंसमेंट की हमको जानकारी नहीं मिली समय से तो उसका इंटरेस्ट क्यों लगाया जाए। अल्टीमेटली हमने तय किया कि ठीक है, उस पीरियड का इंटरेस्ट उनको फ्री किया जाए, और अनाउंसमेंट में भी कुछ एरिया की कैलकुलेशन दोबारा से करनी थी। उनकी शिकायतें ये थी कि जितना एरिया कॉमन लैंड के नाते से हमारे ऊपर लोड किया जाता है उसका अनाउंसमेंट वो ज़्यादा है, उसको दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाए, तो सब सेक्टर्स का दोबारा से रिकैलकुलेट कराया है। इससे पहले जो दो बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम थी उसमें तो सीधा सीधा जितना बकाया था उनका अनाउंसमेंट और इंटरेस्ट पेनल्टी, उसका पहली बार 40% उनको छोड़ा गया था। उस 40% छोड़ने में लगभग 24,163 लोगों ने इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाया। कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए, तो आगे फिर एक महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया, वो 37.5% के रिबेट पर उनको मौका दिया गया। उसमें भी लगभग 4,000 लोग उस स्कीम में आए जिन्होंने इसका लाभ उठाया, और कुल मिलाकर जो पेमेंट थी उसमें 40% का रिबेट 568 करोड़ रुपया गया था, 853 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। ऐसे ही 37.5% में 93 करोड़ रुपया का रिबेट गया था और 155 करोड़ की वसूली हुई थी। ऐसा लगभग 1,650 करोड़ का सेटलमेंट ये दोनों स्कीमों हुआ था। टोटल बेनिफिशरीज के 28,436 हो गए थे, फिर भी लगभग 60,000 ऐसे डिफॉल्टर्स थे, 32,000 के लगभग अभी भी डिफॉल्टर्स जो बाकी हैं। उन लोगों की डिमांड थी कि कैलकुलेशन दोबारा कराई जाए, कैलकुलेशन का क्राइटेरिया तय करने के लिए कितनी ज़मीन उसमें ली जाए और कितनी छोड़ी जाए, कॉमन लैंड कितनी हो और सेलेबल लैंड कितनी हो, इस पर 3 जजेस के कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर अब सेक्टर्स की कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी है। तो मोटा मोटा अभी कुछ सेक्टर्स की जो कैलकुलेशन आई है उसमें चूँकि
अलग अलग सेक्टर्स की पोजीशन अलग अलग है। कहीं इंटरेस्ट रेट जो कि कितना पुराना वो अनाउंसमेंट आया हुआ उसका इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से ज़्यादा हो गया है, और कहीं कहीं अभी अनाउंसमेंट सबकी आई भी नहीं है। सिविल जजेस की कहीं आ गई तो हाई कोर्ट की नहीं आई, हाई कोर्ट की आ गई तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई। इसलिए हर सेक्टर की कैलकुलेशन अलग अलग से बैठेगी, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं पर 30% का लाभ मिल रहा है उनको, कहीं पर 43% का भी मिल रहा है, एक जगह 45% मिल रहा है, और एक जगह सेक्टर 9 जींद में तो केवल 9% का लाभ मिल रहा है। इसलिए स्वाभाविक है ये कैलकुलेशन अलग अलग सेक्टर की अलग अलग आएगी। अब हमने उनको ऑफर किया है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग अपना जितना भी पैसा बनता है उसको वो जमा कराएं। स्वाभाविक है इसमें कैलकुलेशन में किसी को ज़्यादा लाभ होगा, किसी को कम लाभ होगा, और ये अनाउंसमेंट हमने पहले ही की थी कि अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लें। स्कीम बंद होने के बाद अब कोई नई स्कीम नहीं होगी, कैलकुलेशन के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को जितना लाभ होगा या जितना जमा कराना होगा वो केवल कैलकुलेशन के आधार पर होगा। और ये अब सेटलमेंट फाइनल करके आज हमने घोषणा की है। कितने सेक्टर की कैलकुलेशन हो गई है? 12 सेक्टर्स की कैलकुलेशन हो गई है। कुल कितने हैं सेक्टर जिनकी होनी है? 300, लेकिन सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए हुए। हाँ, कुल 300 सेक्टर्स की कैलकुलेशन होनी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम स्पेशली इस काम के लिए हायर की है और वो इंडिपेंडेंटली उस सारे काम को कर रहे हैं। और उस कैलकुलेशन में जो भी कोई प्रतिनिधि उन सेक्टर्स के, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि, जो भी कोई आपके साथ में बैठना चाहे, जो सिद्धांत तय हो गए हैं उसके हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं। तो ये अभी से प्रारंभ किया है और मैं समझता हूँ अगले एक महीने भर में हर एक सेक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी और सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नई कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये रिफंड, ये पैसा जमा कराना है। अगर किसी ने पहले मानो ज़्यादा भी जमा करा दिया होगा तो वो आगे के हिसाब में उसका एडजस्ट हो जाएगा। वो नहीं, जिनकी भी कैलकुलेशन हुई है उसने किसी ने ज़्यादा जमा कराया है तो अब जो आगे की उसकी अनाउंसमेंट आएगी तो उसका उसमें जमा होगी। ये तो नियमानुसार, ये तो नियम के हिसाब से उनको जमा कराना है और जो जमा नहीं कराएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चलता रहेगा। इसकी समय सीमा इसलिए तय नहीं है कि अब तो चूंकि एक फाइनल हो गया और ये फाइनल डिमांड उनको जब जाएगी उसको जमा कराएंगे, ठीक है, नहीं तो जो पहले से शर्तें होती हैं उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट पेनल्टी वो बनेगी। और अगर कुछ समय तक नहीं देगा तो 17(1) में नोटिस देके उससे रिजम्पशन कर सकते, रिजम्पशन भी कर सकते हैं। बीस से 25 अलग अलग है ये तो, क्योंकि वो कैलकुलेशन है कंप्यूटराइज्ड है। सरचार्ज जितना भी है हर एक किसान का वो माफ़ कर दिया है। वो किसी का 20% होगा तो किसी का 25 होगा, किसी का 30 का भी होगा, किसी का 15 भी होगा, तो लगभग ये 25% के आसपास टोटल मिला करके बैठता है। यानी 147 करोड़ में मैं समझता हूँ 20 के करीब उनका बिल है, 119 बिल है सर, 119 बिल है, तो 28 करोड़ रुपया उनको बेनिफिट जाए। बिल्कुल, कब तक का आप बकाया सर, कितने सालों का बकाया? ये बहुत वर्षों का, मेरा ख्याल तो कभी 8-10 साल पहले जी उसको एक बार सेटल किया था और उसके बाद ये लगातार चल रहा है, तो ये 8-10 सालों के बाद उनको ये क्रेडिट दिया जा रहा है ताकि उसको जमा करा दें। उसमें से कुछ लोगों के कनेक्शन कट चुके हैं, 13,000, हाँ 13,000 लोगों के तो कनेक्शन कट चुके हैं, तो कटे हुए कनेक्शन जिनका कनेक्शन 2 साल के अंदर कटा है उनको तो उसी कनेक्शन को रिवाइव कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल से पहले जो कनेक्शन कट गए हैं वो परमानेंटली, चूँकि उसका सारा स्ट्रक्चर भी डिसमेंटल हो चुका है, उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो भी आपने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को सुना, जिन्होंने बताया और किसानों को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा क्या कुछ सरकार ने किसानों के लिए कार्य किए हैं इसको लेकर भी बताया।